वेलकम एवरी वन, वेलकम टू आवर ब्यूटिफुल सेशन ऑफ पावर ऑफ नाउ। आज जो नहीं वापस शुरू करेंगे विद रजनी जी इन वंडरफुल आवर ऑफ सेशंस। सो देखिए, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पढ़ा था पावर ऑफ नाउ के बारे में, और हमें लास्ट हमने एक पर्टिकुलर छोटा सा सेक्शन छोड़ दिया था पढ़ने के लिए, वो हम उसको आज पढ़ने वाले हैं। वो था अहंकार के बारे में कि अहम को पूर्णत्व की तलाश रहती है, मतलब ईगो हमेशा ढूंढता रहता है होलनेस की कुछ कमी है, अहम जो हमारा है वो हमें शांत नहीं बैठने देता, अभी ये बाकी है, ये बाकी है, और उसकी तलाश चलती रहती है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। रजनी जी, ओवर टू यू। आपकी आवाज आपको अनम्यूट करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू प्राची सिंह। भावनात्मक दुख जो कि इस अहंवादी मन का एक अंतरंग तथा स्वाभाविक भाग ही है, उसका एक अन्य पहलू यह भी है कि इसमें अभाव का, अपूर्णता का, यानी खुद के परिपूर्ण न होने का भाव बड़ी गहराई तक समाया हुआ है। कुछ लोगों में तो यह भाव चेतन रहता है और कुछ में यह अचेतन रूप में बसा रहता है। जब यह चेतन रूप से रह रहा होता है तब यह खुद को सुयोग्य, सामान्य और पर्याप्त प्रशंसनीय न होने के एहसास से भरा रहता है, और इसलिए इस अपूर्णता को एक बेचैनी के भाव से वे लगातार प्रकट करता रहता है। जब यह अचेतन रूप में रह रहा होता है तब यह अप्रत्यक्ष रूप से तीव्र लालसा, अभाव और तंगी महसूस होने के भाव में रहा करता है। दोनों ही स्थितियों में लोग अक्सर अपने अहम को तुष्ट करने की ओर, खुद को चीजों के साथ तादात्म्य करने की जबरदस्त होड़ और दौड़ में लग जाते हैं, ताकि अपने अंदर महसूस होने वाले इस गड्ढे को, खालीपन को भर सके। इसलिए वे अधिकार, स्वामित्व, पैसा, कामयाबी, मान्यता या किसी खास रिश्ते के लिए जी तोड़ कोशिश करने में अपना जीवन खपा दिया करते हैं। लेकिन मूल रूप से वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि खुद के बारे में वे कुछ बेहतर महसूस कर सके, खुद को ज्यादा मुकम्मल महसूस कर सके। लेकिन उन तमाम चीजों को हासिल कर लेने के बावजूद जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि गड्ढा तो ज्यों का त्यों है, वे गड्ढा तो अथाह है। तब वे सचमुच परेशान होते हैं, क्योंकि तब वे खुद को और ज्यादा नहीं बहका पाते हैं। हालांकि फिर भी वे बहकने में लगे रहते हैं, भले ही ऐसा करना उनके लिए कठिन से कठिनतर होता जाता हो। तो हम सबको समझ में आना चाहिए अब तक कि जो हमारी बॉडी में इमोशनल पेन होता है, जो हमारे मानसिक तनाव होता है, एक अहंकार से जो आता है, एक एक हमारा नेचुरल पार्ट है, स्वाभाविक भाग है। और इस भावना से क्या होता है, ये हमें बार बार दुख की तरफ पुल करती है। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ट्यूनिंग होती है हमारी कि हम परेशानी के ऊपर परेशान हो जाते हैं और हम उसको एक्सपैंड करते हैं, और उसको ठीक करने के लिए हम सोचते हैं कि मैं अकेला बहुत हूँ, करने के लिए मैं कर लूंगा। हमारे अंदर ये ना एक वैक्यूम रहता है कि खोखलापन रहता है या इनकम्प्लीट रहता है, या एक आप उसको खड्डा बोल लीजिए, अपूर्णता बोल लीजिए, इनकम्प्लीटनेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हमारे अंदर ये अभाव रहता है कि हम होल इनकम्प्लीट नहीं है। अभी क्यों होगा, हमें तबीयत सपोज मेरी खराब है तो कल से मैं वापस एक्सरसाइज शुरू करूंगा, सपोज अगर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कल से मैं ये नहीं खाऊंगा, या सपोज अभी मुझे फाइनेंशियल तंगी है तो कल से मैं अगर सपोज मैं एक आदमी हूँ और अल्कोहलिक हूँ तो कल से मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, या कल से मैं नशा नहीं करूंगा। हम हमेशा अपने लिए एक ना एक एंगल बनाते रहते हैं, और हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि मैं अभी परिपूर्ण नहीं हूँ, गुड इनफ नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़े, मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन बार 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 हम नीचे चले जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कल आएगा तो कल बेटर होगा। अभी कॉन्शियसली कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, जो हमारी इंटेंस क्रेविंग है कि एक डिजायर है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये हमें एक ऐसी कंपल्सिव हैबिट में ले आती है जहाँ बार बार अहंकार काम करता है और चाहता है कि उस गड्ढे को भरे। और हम चाहते हैं कि हमें पैसा मिले, रुतबा मिले, पावर मिले, हमारे घर वाले हमें रिकग्नाइज करें, हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, हमें माने, हमसे पूछें, हमें
नो मेरे हस्बैंड बेटर रिलेशनशिप में रहे, मेरा बेटा मुझसे बेटर बिहेव करे, कुछ ना कुछ हमारे दिन में लगा रहता है, हम अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो खालीपन है ये हमने अपने आप बनाया है, बिकॉज हमने बहुत सोचा है इसके बारे में। सोचा तो हमको लगता है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए हम अकेले वो इंसान हैं जो अपने आप को बेटर फील कर सकते हैं। और ये जो खड्डा हमने बनाया है, जो होल बनाया है, जो इनकम्प्लीटनेस बनाया है, ये हमारे बनाए हुए प्रॉब्लम्स हैं। और जब हम परेशान भी होते हैं, ये हमने अपने आप को बहकाया हुआ है, और हमें तभी लाइफ में और डिफिकल्टी आती है। अगर हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि सब बहुत बढ़िया है, जो ये खराब फेज है ये भी निकल जाएगा, अभी में रहना शुरू कर दें। परेशान हम कब होते हैं? पास्ट के बारे में सोचकर और फ्यूचर के बारे में सोचकर मैनिफेस्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में, अच्छा अच्छा और पास्ट में ये प्रॉब्लम्स है, अब कल नहीं रहेंगी। लेकिन उस प्रोसेस में हम अभी को भूल जाते हैं जहाँ शायद वो प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, दिमाग सोचेंगे ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेंगी, लेकिन हमेशा ये बात समझना चाहिए हम सबको कि अभी इस समय पावर ऑफ नाउ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमारा अहंकारी मन हमारी लाइफ को आगे चला रहा है तो डेफिनेटली जान लीजिए कि हम कभी भी कंटेंट नहीं हो पाएंगे, हम कभी भी शांतिपूर्ण अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। इसके बारे में अगला पैराग्राफ है, उसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चंस कुछ अगर होंगे तो आप पैरेलली साइड में चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको हाथ के हाथ आंसर करती रहूंगी। जब तक आपके अहंकारी मन ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है, तब तक आपको चैन नसीब नहीं हो सकता, तब तक आप शांति में नहीं जी सकते और ना ही अपने जीवन में कभी परिपूर्णता ही अनुभव कर सकते हैं, सिवाय कभी कभी उन छोटे छोटे अवसरों के कि जब कभी आपकी कोई मुराद पूरी हो जाए या जब कभी आपकी कोई तलब पूरी हो जाए। अहम चूंकि स्वार्थ से उत्पन्न हुआ एक भाव है, अतः इसे बाहरी चीजों के साथ खुद को जोड़ने की, उनके साथ तादात्म्य करने की आवश्यकता पड़ती है। खुद का बचाव किए जाने की और खुद को खुराक दिए जाने की इसे लगातार जरूरत पड़ती है। जिन बातों के साथ खुद को जोड़ना अहम को सबसे अधिक पसंद है, जिन बातों के साथ तादात्म्य होना वह सबसे अधिक चाहता है, वह है स्वामित्व, वह काम जो आप करते हैं, सामाजिक हैसियत व इज्जत, ज्ञान व शिक्षा, शारीरिक रूप से मैं कैसा लगता हूँ, विशेष योग्यताएं, रिश्ते, निजी व पारिवारिक इतिहास, विश्वास की परिपाटियां, और इनके अलावा राजनीतिक, राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक तथा अन्य सामूहिक तादात्म्यताएं, सामूहिक जुड़ाव, लेकिन आप इनमें से कुछ भी तो नहीं है। सो अगेन, हमारा जो मन हमें चलाता है, हम मन की राह में चलते हैं, दिल की बात कम सुनते हैं, तो हम कभी भी पीसफुल नहीं हो पाएंगे, चैन पूर्ण अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एंडलेस प्रोसेस है। आज ये चाहिए, ये पूरा होते कल ये चाहिए, ये पूरा होते कल ये चाहिए, उसके बाद एक ये, उसके बाद एक ये, उसके बाद एक ये, ये कभी भी तलब पूरी नहीं होगी हमारी। क्यों? क्योंकि जो अहंकार है वो हमारे स्वार्थ से पैदा होता है। मुझे अब ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और ये चाहिए किसके लिए होता है? यूजुअली अपने लिए चाहिए होता है। अब अपने लिए मतलब कई लोग बोलेंगे नहीं, मैं तो ना दूसरों के लिए काम करता हूँ, अपने लिए नहीं काम करता। वहां पर भी अपने लिए चाहिए कि मेरे निमित्त मात्र ये काम हो जाए, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे यू नो अपनी खुद की कंट्री के लिए हो, या अपने रिलीजन के लिए हो, या आपकी जाति के लिए हो, या किसी भी चीज के जिससे आपने अपने आप को जुड़ाव दिया है, आपने आइडेंटिटी दी है। आपको एक सोशल रिकग्निशन चाहिए, चाहे वो घर में चाहिए, चाहे वो बाहर में चाहिए। हम जब पढ़ते भी हैं तो मैं ज्यादा नॉलेजेबल हो जाऊं या मैं ज्यादा एजुकेटेड हो जाऊं। आज मैंने ग्रेजुएशन करी, कल मैं मास्टर्स करूंगा, परसों मैं PhD करूंगा, तरसों डॉक्टरेट करूंगा, तो मुझे आगे 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 बढ़ना है। क्यों? कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए, कहीं ना कहीं अहंकार के लिए। मैं ये नहीं बोलती किसी को भी कि ये सब चीजें बुरी हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा
कि ये एंडलेस डिजायर का बैंडविड्थ है जो बार 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 आता है, और अगर हमने इससे आइडेंटिफाई कर लिया ईगो बॉडी को, तो हम इस पिट से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। हमें समझना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में ये एक चैलेंज है हम सबके लिए, हमें कैसे इससे बाहर निकलना है वो भी हमारे हाथ में है। किसी भी टाइप का अगर हमें बहुत अटैचमेंट हो जाता है, हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम उसको छोड़ नहीं पाते और उसमें और फंस जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा मदर्स को बहुएं आती हैं तो सासुएं छोड़ नहीं पाती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको घर में कंट्रोल करने का चाहिए। या आपने फादर्स का देखा होगा जब बच्चे बेटे या बेटियां बड़ी होती हैं, बिजनेस संभालती हैं उनका काम, तो कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी ईगो से काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि अब मैं छोड़ के दिखता हूँ क्या होगा, नुकसान होगा, परेशानी होगी, दिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमको इस आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को दूर करना। हम सबको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि हमको अपनी लाइफ में अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा सा दूर रहना है। कई चीजें ट्रस्ट द प्रोसेस भी करनी पड़ती है कि ये हम नहीं कर रहे, ऊपर वाला हमसे करवा रहा है। अहंकार से निकलना इंपॉर्टेंट है, या मैं नहीं बोल रही मुझसे बुलवाया जा रहा है, राइट? जब मैं ये बोल दूंगी फिर हम कौन होते हैं करने वाले। अध्याय 3 बहुत महत्व रखेगा हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने पावर ऑफ नाउ का बेसिक्स पढ़ा था, अब धीरे धीरे हम गहरे में उतरते जाएंगे। जो अभी हम लाइफ में जीना है, अब जो हमारी लाइफ में है, उसमें हम थोड़ा सा और जोर से नीचे उतरेंगे, गहरा उतरेंगे। बोलते ना मन में गहरा जाओ तो गहरे में शांति मिलती है, गहराई में उतरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, इसके बारे में है, डोंट सीक योर सेल्फ इन द माइंड, खुद को मन में तलाश मत कीजिए, मन में आप नहीं हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है एकहार्ट टोल को, पहले मैं हिंदी में पढ़ती हूँ फिर इंग्लिश में पढ़ती हूँ। तो ये जो किताब है, जो लोग कई बार शायद मैं भी अभी ध्यान नहीं हूँ, ये किताब जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बनी हुई है, प्रश्न उत्तर के फॉर्म में बनी हुई है। तो अब जो क्वेश्चन है, पूर्ण चेतना या आध्यात्मिक आत्मज्ञान के निकट पहुंचने से पहले मुझे लगता है कि अपने मन की कार्य प्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ जानने की मुझे आवश्यकता है। ऐसा उस इंसान ने पूछा। इंग्लिश में अनुवाद करूंगी, I feel that there is still a great deal I need to learn about the working of my mind before I can get anywhere near full consciousness or spiritual enlightenment. तो ये हम सबको लगता है कि अभी तो मुझे बहुत काम करने की जरूरत है, जब मैं पूरे enlightenment world में आने वाला हूँ या super consciousness में आने वाला हूँ, उसमें मुझे बहुत time लगेगा आने में। लेकिन एक और इसके साथ पैराग्राफ भी आता है, वो क्या कहते हैं, जब जागो तब सवेरा, इट्स नेवर टू लेट, शुरुआत कर दो, आगे कहाँ पहुंचाया जाएगा नहीं पता। बट अगर हम अपने आप को ब्लॉक कर लें कि नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो हमारी गलती है। इसके लिए जवाब क्या दिया एकहार्ट टोल ने, वो पढ़ते हैं एक एक पैराग्राफ का और समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मन की समस्या को मन के स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता। एक बार अगर आप मन की आधारभूत गड़बड़ को समझ जाते हैं, तब आपको कुछ और समझने या जानने की जरूरत वाकई नहीं रह जाती। मन की जटिलताओं का अध्ययन करना आपको एक अच्छा मनोवैज्ञानिक तो बना सकता है, लेकिन ऐसा करना आपको मन के पार नहीं ले जा सकता। जैसे कि पागलपन का अध्ययन करना स्वस्थ चित्तता तथा विवेकशीलता पैदा करने के लिए काफी नहीं होता। अब तक आप अचैतन्य अवस्था की आधारभूत संरचना को समझ चुके हैं, यानी मन के साथ तादात्म्य हो जाना, और यही तादात्म्यता बीइंग में अवस्थित आपके सच्चे स्वरूप के एवज में एक मिथ्या मैं को अहम को खड़ा कर देती है, और फिर आप जीसस के शब्दों में अंगूर की बेल से कटी हुई शाखा बन जाते हैं। तो अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, पहले दो चैप्टर्स, उनमें हमने थोड़ा सीखा है कि कैसे हम पावर ऑफ नाउ में नहीं रहते, अपने आप को किसी ईगो ट्रैप में फंसा लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो मिलता है, एकहार्ट टोल बोलते हैं, नहीं, आपको जरूरत नहीं है, नो यू डोंट,
जो आपके माइंड की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप माइंड के लेवल पे नहीं सुलझा सकते. क्यों? ये डिसफंक्शनिंग है. क्यों आपको इतना लगता है कि मुझे समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा? हमारा जो माइंड है उस वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं जो समझ जाए कि माइंड क्या क्या बात कर रहा है, माइंड हमें सही दिखा रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है. हमने तो बेसिक मैकेनिक समझे हैं अपने माइंड के, कि एक कॉन्शियस स्टेट होती है, चेतन स्टेट होती है, एक अचेतन स्टेट होती है, अनकॉन्शियस स्टेट होती है. हमने चेतन स्टेट्स में देखा कि हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं एक फॉल्स इमेज के लिए बना लेते हैं और इगोइस्टिक बन जाते हैं और बोलते हैं ये मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और हम उसको लिव करना शुरू करते जैसे कि ये मेरा अस्तित्व है. तो जीसस ने इसके बारे में बात बोली है कि अंगूर की बेल से कटी हुई शाखा बन जाते हैं, ब्रांच कट ऑफ फ्रॉम द वाइन. इतनी बड़ी विशाल दुनिया में हम अपने आप को काट के अलग बना देते हैं, मैं ऐसा हूँ. वननेस कहाँ आती, एकाग्रता कहाँ आती है, एकाकार कहाँ आता है, हम भूल जाते हैं. हमने एक भ्रमित दुनिया में ट्राई कर लिया है जहाँ हमारा अहंकार, हमारा माइंड हमको खींचे चला जा रहा है. कई बार हमने पहले भी सुना होगा जब दिल और दिमाग की बात पे दुविधा होती है, दिल की बात सुननी चाहिए, पर दिल हमारा हायर सेल्फ होता है, हमें गाइड करता है और हमेशा राइटफुल करता है. दिमाग हमें कहाँ ले जाएगा, जो हमने इस लाइफ में इस नाम में कुछ रुतबा कमाया, कुछ कमाना है, वहां लेकर जाएगा. वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगा. सेल्फिश मतलब जो हमारा छोटा आय है, अहम की तरह हो जाएगा. और जो दिल है वो लार्जर पिक्चर, सेल्फिश एकदम बनेगा, लेकिन बड़ी पिक्चर देखते हुए. सो अगेन हमें क्या करना है, दिल की बात सुननी है और अभी में रहना है. आगे पीछे जो हम बार बार सोचते रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ना सोच के अपने आप को बार बार पुल करना है कि अरे मैं तो फिर चला गया पास्ट में सोच रहा हूँ, अरे मैं तो फिर चला गया फ्यूचर में सोच रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे प्रेजेंट टेंस पर रहना है. तो हम इस बात में फिर कहीं ना कहीं अपने आप को खींच के लाते हैं. आइए फिर पढ़ते हैं कि ईगो की, इस ईगो का जरूरतें कैसी होती है, एंडलेस क्यों होती है. अहम की जरूरतें और चाहतें कभी खत्म नहीं होती. वह खुद को हरदम खुले में और खतरे में महसूस किया करता है और इसलिए हमेशा ही भय की व अभाव की अवस्था में रहता है. एक बार अगर आप उसकी असल गड़बड़ भरी कारगुजारियों को समझ लें तो फिर आपको न तो उसके उन अनगिनत रूपों की खोजबीन और छानबीन करने की आवश्यकता रह जाएगी जिनमें कि वह प्रकट हुआ करता है और न ही उन रूपों को अपनी निजी समस्या बनाने की ही आवश्यकता रह जाएगी. दरअसल यह सारा प्रपंच अहम को बहुत पसंद है. मैं के अपने मायावी रूप को ऊंचा उठाने और ताकत देने के लिए उसे हमेशा ही किसी ऐसे की तलाश रहती है जिसके साथ वह जुड़ा रहे और इसलिए आपकी समस्याओं के साथ जुड़ने के लिए वह तत्पर रहा करता है. यही कारण है कि बहुत से लोगों के लिए उनके मैं का अधिकतर हिस्सा उनकी समस्याओं के साथ बड़ी घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है. जब ऐसा हो जाता है तब वे उन समस्याओं से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते क्योंकि इसका मतलब तो अहम को खो देना होगा. तभी तो हमारे दुख में, हमारे कष्ट में अब चेतन रूप से अहम का बहुत बड़ा हाथ रहता है. सो अगेन जो हमारे ईगो होती है ना, अहंकार होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स ना खत्म कभी होती नहीं. हमने पढ़ा इसके बारे में. वो कई बार हमें बहुत वल्नरेबल कर देता है कि अरे आप बहुत फील करते हो कि अरे ये भी है वो भी है. अब कई बार आपको डर लगता है कि अरे मेरे से निकल गया तो, मेरे हाथ से छूट गया तो हम हमेशा कैसी अवस्था में रहते हैं जहाँ आपको जरूरत होती है किसी चीज की, वॉन्ट की होती है या डर की जरूरत होती है, तो हम उस अवस्था में ना शुरू कर देते हैं. अगर हम समझ जाएं इस बेसिक ऑपरेशन को, बेसिक प्लान को, तो हम बिना बात को अपने आप को जिस ट्रैप में हमने फंसा लिया है जहां अनगिनत रूपों की खोजबीन करते रहते हैं, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, मैनिफेस्ट करते रहते हैं बहुत चीज़ें जो रिक्वायर्ड भी नहीं होती हैं, जो उसके बारे में, तो हम अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं. अगर हम समझ जाएं कि ये प्रॉब्लम्स मुझे चला रही हैं और मैं इनका विक्टिम बन गया हूँ, ना कि
यू नो मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो हम वापस कभी अगर और इस प्रैक्टिस में हम तत्पर लगे रहें, बार 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 लगे रहें कि हमें अपने आप को ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है, और अभी में रहना है, इतना नहीं अहम की दुनिया में जाना है, मैं कौन हूँ, अगर मैं ये चीज समझ गया कि आई हूज आई, ये मैं कौन हूँ, तो अधिकतर हिस्सा हमारी समस्याएं जो है ये खत्म हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि हमने अपने अहंकार को फीड नहीं किया। मतलब एक होता ना, जैसे पेट का आपने सुना होगा कि जितना खान देते रहो पेट को, पेट उतना एक्सपैंड होता रहता है। आप कम खान दोगे तो छोटा पेट रहेगा, ज्यादा दोगे थोड़े और मोटे जाओ, ज्यादा दोगे और मोटे जाओ, त्यों निकल जाएगी। इसी तरीके से आपकी ईगो होती है, आप इसको कितना फीड कर रहे हो कि हाँ मैं मेरे बिना कुछ नहीं, मेरे बिना। और फिर हम सोचें कि जब इंसान मरता है तो ये मैं कहाँ जाता है, लाइफ तो चलती रहती है इसके बिना भी। तो मैं झूठी मूठी का अहंकार इसमें रहना चाहता हूँ कि इसको खोकर लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। जब हम अपने इस अहम से छूट जाते हैं तो हम बहुत बार अपनी लाइफ में अपने पेन और सफरिंग से छूट जाकर फ्री हो जाते हैं। सो जब कभी भी ये मैं आए ना, या कई लोग बोलते हैं ना मैं बहुत बोलते हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप इसको थोड़ा सा छोड़ पाए। प्रैक्टिस करिए, किताब क्या बोल रहा है आप इसको अपने लिए प्रैक्टिस करिए। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि किताब आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है। जो ये बोल रही है आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पहले ट्राई प्रैक्टिस करें, ठीक लगता हो तो आगे बढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको अपने अनकॉन्शियस ईगो में जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है और जो हमें परेशानियां हो रही हैं और जो हम बोलते हैं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, हम टालते रहते हैं और ईगो को हम फीड करते रहते हैं कि मैं तो कर सकता हूँ कर सकता हूँ। उससे हमें फ्री होना है और आज को इंजॉय करना है। ये बात अगर आप देखें, अगर जैसे मैंने कई बार पहले भी बोला, दोबारा बोल रही हूँ, अगर मुझे बहुत सारा काम है फॉर एग्जाम्पल, और वो काम मेरे पसंदीदा है, और मेरे सर में या बॉडी में कहीं दर्द है, मैं उस दर्द को सर में बॉडी जो भी भूल जाऊंगी। या अगर मैंने आज कुछ शौक किया, कुछ खाना खा लिया बिना गिल्ट के, मेरा कल वजन नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि हम दोनों स्थितियों में पावर ऑफ नाउ में रह रहे हैं और हमने चेतन रूप से उसको इंजॉय किया है। हमें बनाया गया है लाइफ में इंजॉय करने के लिए, और हमने क्या सीख लिया है? कॉम्प्रोमाइज करना, जिसके चलते हमें लाइफ में तकलीफें आती है, पेन आता है, सफरिंग आती है, और पेन और सफरिंग के साथ साथ भय आता है, डर आता है, फियर आता है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ है हमें अनहैप्पी रहने का, और हम आगे या पीछे में एक पेंडुलम की तरह चलते रहते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इसको आइडेंटिफाई करना कि ये एक मैंने पेन बॉडी या ईगो के बारे में अपने आप को इस ट्रैप में फंसा रखा है। इस ट्रैप से मैं कैसे बाहर निकलूंगा? सिंपल चीज है, पावर ऑफ नाउ में रहने का चेष्टा करूंगा। हम अभी स्टूडेंट्स हैं, क ख ग लिखना शुरू किया है, वो पूरे शब्द या पूरे पैराग्राफ लिखने में अभी हमें टाइम लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करेंगे कि अरे मैं तो इतने दिन हो गए किताब पढ़ रहा हूँ क्यों नहीं हुआ, टाइम लगेगा। अब कैसे पहचाने इसको, वो भी अब समझते हैं अगले पैराग्राफ में थोड़ा सा और डीपली। इसलिए जब आप यह समझ जाते हैं कि मन के साथ तादात्म्यता ही अचैतन्यता का मूल कारण है, जिसमें की भावनाएं भी शामिल है, तब आप उससे बाहर निकल आते हैं, तब आप वर्तमान में विद्यमान रहने लगते हैं, और जब आप वर्तमान में रहते हैं तब मन के फंदे में फंसे बिना आप उसे जैसा है वह है वैसा ही रहने देते हैं। मन स्वयं गड़बड़ करने वाला नहीं है, वह तो एक कमाल का उपकरण है। गड़बड़ तब शुरू होती है जब आप अपना मैं उसमें तलाशने लगते हैं और गलती से यह समझने लगते हैं आपका मन ही आप है। तब वह मन आपका अहंकारी मन बन जाता है और आपके पूरे जीवन पर छाया रहता है। अगेन, जो हमारा मन है ना, ये टू वे है। अगर हमने समझ लिया कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में रह रहे हैं, कॉन्शियसली रह रहे हैं, और जो हमने अनकॉन्शियस अपना ईगो ट्रैप बनाया है उससे हम बाहर निकल रहे हैं, वर्तमान में रहकर हम लाइफ को जी रहे हैं, तो हमने जो जो अपने लिए फंदे बनाए थे वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। हमारा जो मन है वो अपने आप से गड़बड़े नहीं करता है,
वो तो मैजिकल है. जैसे आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, जब आपने काउंटिंग ब्लेसिंग्स करी थी या आपने एफर्मेशन लिखी थी तो लाइफ सुलझने लग गई थी. कैसे? आपने कहीं ना कहीं मन को ट्रेन किया था और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंडीशनिंग आ गई थी और लाइफ ऐसे होना शुरू हो गई थी. लेकिन जब हम मैं को तलाश करने लग जाते हैं और गलतियां निकालते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, तो हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं. बिकॉज ये ईगोइस्टिक माइंड हमारी कार का ड्राइवर बन जाता है और हमें बस लेकर जाता है. सो हमें ये बात को समझना है. अब हमें समय के भ्रम को कैसे तोड़ना है कि इस जो समय है, हम कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, अभी में नहीं रह रहे, उसको कैसे तोड़ना है. अगला सवाल जो आता है वो ये आता है, मन के साथ तादात्म्य को तोड़कर बाहर आना तो संभव लगता है, लेकिन हम सभी तो उनमें तन्मय और तल्लीन रहते हैं. आप किसी मछली को उड़ना कैसे सिखा सकते हैं? तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात है जो लिखा है कि हम लोग अपने माइंड से अपने आप को अलग करते हैं, डिसआइडेंटिफाई करते हैं. हम तो इसमें घुसे पड़े हैं. अब एक मछली तालाब में तैरती है तो हमें जो पक्षी की तरह कैसे उड़ना सिखा सकते हैं? तो ये सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग को समझ में भी आएगा. लेकिन इसकी एक चाबी है, एक सूत्र है, उसको क्या है वो अब समझते हैं. रजनी जी प्लीज पढ़े. इसके लिए सूत्र है, समय के भ्रम को तोड़ दीजिए. समय और मन हमेशा ही गलबहियां डाले साथ साथ चला करते हैं. मन से समय को अलग कर दीजिए तो वह अवश्य ही रुक जाएगा, जब तक कि आप ही कभी उसका उपयोग करना ना चाहें. अपने मन के साथ तादात्म्य करना, उसके साथ एकाकार व एक जान हो जाना, यह तो समय के जाल में फंस जाना है. केवल यादों और उम्मीदों में जीने को बाध्य हो जाना है. ऐसा करना अनंत रूप से अतीत और भविष्य में उलझे रहने के प्रति रुचि आप में पैदा कर देता है. ऐसा करना आप में वर्तमान पल का सम्मान करने और स्वीकार करने के प्रति, उसे होने देने के प्रति अरुचि पैदा करता है. यह बाध्यता इसलिए पैदा होती है क्योंकि अतीत आपको एक पहचान दे रहा होता है और भविष्य किसी भी रूप में उद्धार, मुक्ति और उपलब्धि का वादा कर रहा होता है. लेकिन ये दोनों ही मरीचिकाएं हैं, मृत तृष्णाएं हैं. सो अगेन, इसका एक सूत्र है टाइम से, अपने चंगुल से हमें कैसे बाहर निकलना है. सो हमें समझना है कि जो ये टाइम है, समय है और मन है, ये हमेशा के ये एक साथ चलता है. मतलब मन भी है और टाइम भी है. जब हमने अपने लाइफ में से टाइम को बाहर निकाल दिया तो अगर हम चूज नहीं करते हैं तो हम उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं. जब हम सोचते हैं कि हम कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम में आगे पीछे जा रहे हैं. लेकिन जो अभी का टाइम है तो हम इसे क्या करना है, इस भ्रम को तोड़ना है, इस सूत्र को समझना है कि दोनों चलो चलता तो साथ में है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अनोइंगली ईगो कंट्रोल कर रहा है और हम उस ट्रैप में बार 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 फंस रहे हैं. तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है अपने माइंड के इस ट्रैप को, इस जाल को, जो एक कंपल्शन हमारे अंदर रहती है कि जो हमें बाध्य करती है, और हमारी याददाश्त मेमोरी जो हमारी होती है, जो या हमारी जो उम्मीदें हमसे होती हैं, हम उस ट्रैप में फंसते रहते हैं और ये हमेशा हमेशा पास्ट फ्यूचर के बीच में हमें लेकर जाता है. या तो हम उसको चैलेंज करते हैं, या हम उसे अक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं, या हम बोलते हैं अच्छा नहीं था यार, मुझे तो अब ये लाइफ दोबारा नहीं जीनी. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अतीत से एक पहचान है जिसके बारे में हम उसको स्ट्रोंगर कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या चाह रहे हैं कि अरे फ्री हो जाऊं, लिबरेट हो जाऊं, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं. लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं, ये मरीचिकाएं हैं, ये मृग तृष्णाएं हैं, ये हमेशा इल्यूजन्स हैं जो हमें फंसा रहे हैं फ्यूचर में क्या हो जाए ये हम सोच रहे हैं इसके बारे में. और हमें इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक ही चीज है, टाइम में जाने की ट्रैप की जगह अभी को इंजॉय करना शुरू कर दें. अगला सवाल इसी कंटिन्यूशन में आता है,
कहते हैं, लेकिन समय के समय समय की समझ के बिना हम इस संसार में कामकाज कैसे करेंगे? कुछ भी और पाने की और लक्ष्य ही नहीं रह जाएगा। मुझे शायद ये भी पता ना रहे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा अतीत ही तो मुझे वो बनाता है जो मैं आज हूँ। मुझे लगता है कि समय तो बहुत मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इससे बेकार गवा देंगे देने के बजाय हमें इससे बड़ी सूझबूझ को इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब लोगों ने सुना है हजारों लाखों बार कि हम कुछ भी लाइफ में खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं खरीद सकते। तो टाइम बहुत मूल्यवान है। तो यही सवाल करा है इस जो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर मैं आज जो हूँ, जो कल मैंने गलतियां करी, कल जो मैंने एक्सपीरियंसेस पाए हैं उनकी वजह से मैं आज हूँ, तो कैसे मैं इसको वेस्ट कर दूँ, कैसे मैं इससे अपने आप को अलग हो जाऊँ, कैसे मैं फंक्शन करूँगी दुनिया में बिना टाइम के, और फिर क्या तो मेरे सपने होंगे अगर मुझे टाइम की वैल्यू नहीं होगी, फ्यूचर के बारे में नहीं होगा, तो मैं कैसे चलूँगा? तो इसका जवाब इकहा टोल दे रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब है, प्लीज पढ़ते हैं। समय बिल्कुल भी मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह तो एक भ्रम है, एक भ्रांति है। जिसे आप मूल्यवान व महत्वपूर्ण समझे वह समय नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो समय से बाहर है, यानी वर्तमान, अब। वही वास्तव में मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। जितना अधिक फोकस आप समय पर, अतीत और भविष्य पर रखेंगे, उतना ही अधिक आप अब से सर्वाधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज से वंचित रहेंगे। So again, हम सब ने सुना है ये बात कि टाइम बहुत मूल्यवान है, टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इकहा टोल क्या बोल रहे हैं, ये भ्रम है। इसका एक और पहलू क्या है? टाइम भ्रम है, कल क्या होगा हमें नहीं पता, कल जो हो चुका है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, अभी मैटर क्या करता है, अभी। So, अगर हम इस समय को अच्छे से जिए, अच्छे कर्म करें, अपने बॉडी को ऑनर करें, अपनी बोली को ऑनर करें, और वर्तमान में पूरी तरीके से मूल्यान्वित, एकदम इसको इम्पोर्टेंट मान के, महत्वपूर्ण मान के, अभी अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आप हर पल को अच्छे से जी रहे हो। तो आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर ट्रैप की जगह प्रेजेंट टेंस में, पावर ऑफ नाउ में अपने आप को वैल्यू दे रहे हो। अगर आपने टाइम पे फोकस किया पास्ट प्रेजेंट में, तो आप नाउ को मिस कर दोगे, सही बात है। अब अगर नाउ को जीना है तो नाउ को प्रेशियस मानना है। टाइम डेफिनेटली मूल्यवान है, टाइम डेफिनेटली महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग उस टाइम को कहाँ जी रहे हैं, पास्ट में या प्रेजेंट में? पास्ट कंप्लीट हो चुका, फ्यूचर का पता नहीं, हाथ में भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ये बहुत मूल्यवान है, ये बहुत प्रेशियस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके कारण भी हैं जो अब हम समझेंगे अगले पैराग्राफ में। प्लीज पढ़ें। यह वर्तमान सबसे मूल्यवान व महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण, क्योंकि केवल यही है, जो भी है बस यही है। यह शाश्वत वर्तमान वह आकाश है, वह उपलब्ध रिक्त स्थान है जिसके अंदर आपका पूरा जीवन खुलता जाता है। एक वह कारक जो कि सतत रूप से विद्यमान रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका जीवन अब में ना रहा हो, और ना ही कभी ऐसा होगा। दूसरा कारण, यह अब की एक ऐसा एकमात्र बिंदु है जो कि आपको मन के तंग कारागार से परे ले जा सकता है। यही एकमात्र वह बिंदु है जहां आप बीइंग के काल परिपेक्ष और निराकार प्रदेश में पहुंच सकते हैं। अगेन, तो अब टाइम इम्पोर्टेंट क्यों है, अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके दो रीजंस हैं, दो कारण हैं। पहला जो कारण है कि जो कुछ है वो अभी है, इस समय है, ये एक इटर्नल प्रेजेंट फैक्ट है, शाश्वत वर्तमान है, ये आकाश है जहां हमारी लाइफ अभी अनफोल्ड हो रही है, जीवन खुल रहा है इस प्रकार, इस प्रति, इस मिनट। तो लाइफ अब कब है, पावर ऑफ नाउ है, तो लाइफ भी नाउ है, और ये एक डूअर है। अगर हम अभी को इम्पोर्टेंट बना लें, अभी को वैल्यू कर लें, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अब में रहना सीखना चाहिए, सो दैट हम अब को मूल्यवान मान सकें और पावरफुल मान सकें। दूसरा कारण क्या है कि ये मात्र डॉट है, और ये एक
कन्फाइंड माइंड है, एक लिमिटेड माइंड है, और ये मन का जो तंग कारागार है इससे भी परे है। अगर आप अभी में रहना शुरू कर दें तो आप इस कारागार से बाहर निकल जाएंगे, टाइमलेस हो जाएंगे, कल परिपेक्ष हो जाएंगे, टाइमलेस हो जाएंगे, निराकार मतलब फॉर्मलेस हो जाएंगे, और प्रदेश में पहुंच सकते हैं, मतलब रेलम ऑफ बीइंग। रेलम ऑफ बीइंग मतलब अभी आई एम बीइंग हु आई एम। मैं दिमाग में आगे पीछे सोचने की जगह अभी जो काम एक कर रहा हूँ उसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूँ। जब मैं अभी में रह रही हूँ, अभी में वर्तमान में रह रही हूँ, शाश्वत इटर्नल ट्रूथ में रह रही हूँ, तब मैं अपनी लाइफ में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज बना रही हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, मेरी मैनिफेस्टेशन है, मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए अभी क्या करना है उसमें करूं, रादर देन सोचते रहूं कि कल करूंगी कल करूंगी, हाँ फ्यूचर में ऐसा हो जाए, कोई मैजिकल वॉन्ड आ जाए, कोई टीचर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, मुझे रास्ता दिखा दे और मेरे आगे लाइफ में चीजें मैजिक हो जाए। सोचने की जगह मैं अभी में बिजी रहूं, अभी को एंजॉय करूं, जो कर्म करना है अभी करूं, तो डेफिनेटली मैं बीइंग को एंजॉय कर पाऊंगी और फ्यूचर भी मेरा अच्छा हो जाएगा। अब टाइम आ गया है साइलेंस लेने का, तो 3 बार हम सुनेंगे साउंड ऑफ साइलेंस की आवाज, आंखें बंद करेंगे और जो हमने पढ़ा है उसके बारे में या तो हम विचार करेंगे या अभी में रहेंगे, इंजॉय करेंगे सिर्फ वो साउंड ऑफ साइलेंस, और पीछे की क्लटर जो हमारी आती है उसको बंद कर देंगे। दोनों चीज ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल रहें वैसे आप इंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। जब हम प्रेजेंटली साउंड ऑफ साइलेंस में रहते हैं तो हम पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कुछ भी हो रहा है, उस साउंड में इंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो उसको हम अवॉइड करके पास्ट या फ्यूचर के डायलॉग्स के बारे में जो मन में एक पैरेलल आवाज चलती है उसमें खो जाते हैं। तो हम सब चेष्टा करते हैं कि हम पावर ऑफ नाउ में रह पाए और धीरे धीरे इसको एंजॉय कर पाए, अब्सॉर्ब कर पाए। अगला सवाल जो आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है कि अब से बाहर तो कुछ भी नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड द नाउ, जो है अभी है। तो इसका जो सवाल आ रहा है वो ये है कि अतीत और भविष्य क्या वास्तविक नहीं है? कभी कभी तो वे वर्तमान से भी अधिक वास्तविक हो जाते हैं। आखिर ये अतीत ही तो है जो ये निर्धारित करता है कि हम कौन हैं, और यह भी कि वर्तमान हम कैसे दिखें और कैसे उससे बर्ताव करें, और हमारे भावी लक्ष्य ही तो ये निर्धारित करता है कि हम वर्तमान में क्या करें। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल को भी समझना कि पास्ट एंड फ्यूचर क्या रियल नहीं है, सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है। कई बार तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और हम जो हैं अभी वो पास्ट की वजह से ही तो हैं, और हम जो अभी कर रहे हैं वो फ्यूचर गोल के लिए ही तो कर रहे हैं। तो क्यों बोला जाता है कि पास्ट एंड फ्यूचर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब के बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों है? तो आइए इस बात को धीरे धीरे समझते हैं। आप निजी सारा ये छोटा सा पैराग्राफ है साथ में पढ़ लीजिए। आपको अभी तक उस मुख्य बात को ग्रहण ही नहीं किया है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप उसे मानसिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन उसे समझ ही नहीं सकता है, उसे तो केवल आप समझ सकते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए, क्या आपने अब से बाहर कभी कुछ अनुभव किया है? अब के से बाहर कभी कुछ किया है, कभी कुछ सोचा है या कुछ भी महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी आप कर पाएंगे? अब से बाहर कुछ भी घटना या होना क्या संभव है? जाहिर है कि इसका उत्तर स्पष्ट है ना? कुछ भी अतीत में नहीं हुआ, वह अब में ही हुआ है। कुछ भी भविष्य में नहीं होगा,
वह अब में ही होगा। जिसे आप अतीत मानकर सोचते हैं कि वह पूर्ववर्ती आपकी स्मृति का अनुरेख ही तो है, जिसे मन में संग्रहित किया गया है। जब आप अतीत को याद करते हैं तब उस स्मृति के अनुरेखन को ही पुनः देख रहे होते हैं और ऐसा आप अब में ही कर रहे होते हैं। भविष्य एक काल्पनिक अवयव मन के द्वारा गढ़ लिया गया। भविष्य जब आता है तब वह अब के रूप में ही आता है। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं आप वह अब में ही कर रहे होते हैं। भूत और भविष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह तो बस सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। इसी तरह से भूत और भविष्य भी शाश्वत वर्तमान के प्रकाश, शक्ति और सच्चाई के धुंधले परावर्तन ही है। उनकी वास्तविकता अब से उधार ली हुई होती है। जो कुछ मैं यहाँ कह रहा हूं उसका सार्थत्व मन द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन ज्यों ही आप इसे समझ लेंगे त्यों ही आपकी चेतना मन से हटकर बीइंग में चली जाएगी, समय से हटकर वर्तमान में विद्यमान में चली जाएगी। फिर अचानक ही हर चीज जीवंत महसूस होने लगेगी, ऊर्जा प्रसारित करने लगेगी, बीइंग को अभिव्यक्त करने लगेगी। तो बहुत पते की बात बोली गई है इसमें जो हमें अब समझना आना चाहिए। एकहार्ट टोले में बार बार समझा रहे हैं पावर ऑफ नाउ में, हमें समझना चाहिए कि जो कोई पास्ट में हुआ था, जिस मिनट हुआ था वो तो नाउ था ना, उस समय का सत्य था ना। और जो हम फ्यूचर में सोचते हैं कि ऐसा होगा और वो चाहे अभी हो रहा है तो वो भी नाउ में हो रहा है। तो ये कहाँ गया पास्ट प्रेजेंट एंड बाकी चीजों का फेर? सब कुछ जो हो रहा है एक पल में हो रहा है, वो पल हम उस समय जी रहे हैं और जो उस समय जी रहे हैं वो नाउ है, वो प्रेजेंट है, हम वहां बीइंग होना अनुभव कर रहे हैं, वो अब के बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमें समझना ये इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पास्ट में नहीं हुआ, कुछ भी फ्यूचर में नहीं हुआ, जो हुआ अभी में हुआ, अभी को इम्पोर्टेंट करना है। जो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं वो एक मेमोरी है, हमारे दिमाग में एक याद, एक सोच है, याद है, लेकिन वो हुआ तो उस समय भी पावर ऑफ नाउ थी। हाँ, हमने अपने दिमाग में उसको स्टोर कर लिया कि पहले अतीत में हुआ था और हमने क्या किया, फ्यूचर में भी उसको प्रोजेक्ट कर दिया कि फ्यूचर में ऐसे होगा, हमने गढ़ लिया दिमाग में। बट जो फ्यूचर में भी होगा वो जब होगा तब एक अब का एक्सटेंशन होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें भूतकाल और भविष्य काल से रहकर अभी यथार्थ में रहना, क्योंकि अभी हमारे पास पूरी रोशनी है, प्रकाशित है, लाइफ बहुत है, सूर्य का प्रकाश है, चांद का प्रकाश है, और ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। क्योंकि अगर हमने अभी के सत्य को समझ लिया, अभी की रोशनी को, अपनी की पावर को, अभी के ट्रूथ को समझ लिया, तो क्या होगा, जो कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, उनकी परत हटाकर हम अभी में रह सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, एक काल्पनिक दुनिया में, फ्यूचर में रह रहे हैं और अभी को, अभी से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो लाइफ को हमने मीनिंगलेस बना दिया क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर में जी रहे हैं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में, अभी में हम जी नहीं रहे। सो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें कोई कुछ आगे फायदा नहीं है। सो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट सारांश, जो ये सारत्व जो आप समझना चाहते हैं वो ये है, असेंस जो आपका है, जो सार है इस चीज का, वो ये है कि आप समझ जाएं कि आपका माइंड आपको चला रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपकी एक कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएगा, आपकी चेतना में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर आप माइंड से लेकर कहाँ जाएंगे, चेतना मन से कॉन्शियस माइंड जाकर आप बीइंग में चले जाएंगे, और जब आप बीइंग में चले जाएंगे, प्रेजेंस विद्यमान में चले जाएंगे, तो एकदम से आपकी लाइफ आपको कैसी लगेगी, बहुत सारी पावर, बहुत एक अलाइव फीलिंग आएगी, एक यू नो ऊर्जा फीलिंग आएगी, बिकॉज अब आपके अंदर से एक रोशनी आएगी जो आपको बोलेगी कि अरे तुम तो अभी में रह रहे हो, वाओ अमेजिंग, एंजॉय द प्रेजेंट। सुना होगा आपने, लिव द मोमेंट, एंजॉय द प्रेजेंट, इतने सारे चीजें हैं, बी इन द पावर ऑफ नाउ। लेकिन हम लोग इतना सुनने के बावजूद भी हमारी कंडीशनिंग है
पास्ट ने ये किया, फ्यूचर में ऐसा होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैनिफेस्ट करना है प्लीज करें, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उसको सरेंडर कर दीजिए उसी पल। ये मेरी इच्छा है इससे या बेटर कुछ हो जाए, लेकिन मैं ये आज अभी इस पल बोल रही हूँ। अगेन पावर ऑफ नाउ, अभी मैं कर रही हूँ सैक्रिफाइस या मैनिफेस्टेशन। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी विद्यमान हूँ, प्रेजेंट हूँ, और अभी मुझे अच्छा लगने लग रहा है, बिकॉज अभी मैं अपने कर्म कर रही हूँ, चाहे मुझे एफर्मेशन लिखनी है, चाहे ब्लेसिंग करने हैं, चाहे मुझे बार बार माइंड को खींच के लाना है कि तुम कहाँ चले गए भाई, फ्यूचर में कि पास्ट में। हम अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हैं टू लिव इन द नाउ। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको बार बार इसको प्रैक्टिस करना। आइए फिर पावर ऑफ नाउ में रहते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हैं। हम सब उधार की जिंदगी जीना बंद कर रहे हैं, ना हमने पास्ट को उधार में लिया ना फ्यूचर को। हम धीरे धीरे चेतना के साथ अभी में रहना शुरू कर रहे हैं, वर्तमान में, जहाँ रिलीज करने के बाद, अभी को जीने के बाद हम एकदम जीवित फील कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ। और धीरे धीरे इस ट्रेनिंग के साथ साथ हम अपने आप को पावर दे रहे हैं। आइए अब समझते हैं आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत, स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है, उसकी चाबी क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। जो एक मूल सिद्धांत है हम उसको समझते हैं। स्पिरिचुअल हम सब हैं, हमने पहले भी बात करी है, हम सब के अंदर एक स्पिरिट रहती है और वो हमें गाइड करती है, हम अंदर की आवाज सुनते हैं, हम लाइफ को जीते हैं। तो स्पिरिचुअल तो हम सारे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाने के लिए, आयाम में जाने के लिए हमें क्या करना समझना पड़ेगा, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, हम एक एक पढ़ते हैं, चार चार पांच पांच लाइन के, और आगे बढ़ते जाएंगे। प्राणों पर संकट आने जैसी किसी भी स्थिति में चेतना का समय में से हटकर वर्तमान में आ जाना कभी-कभी सहज स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। अतीत और भविष्य में रमने वाला व्यक्तित्व कुछ पलों के लिए उनमें से निकल आता है और प्रबल चैतन्य उपस्थिति में आ जाता है, जो कि स्थिर भी होती है और बहुत सचेत भी। तब जो कुछ किए जाने की आवश्यकता होती है, ऐसी अनुरूप क्रिया उस चैतन्यता से ही निकलकर आती है। बहुत लाइफ में बहुत कुछ आएगा जो हमें थ्रेटनिंग लगेगा, हमें एक अटैक करने का लगेगा, हमें डर लगेगा। और उस समय जब प्राणों पर संकट आ रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसमें एक शिफ्ट आता है, जो चेतना है उसमें एक शिफ्ट आता है, कि वो हमेशा नेचुरली अपने आप स्वाभाविक रूप में शिफ्ट होता है। और क्या शिफ्ट होता है, कि अतीत और भविष्य में रमने वाला जो हमारी पर्सनालिटी है, हम उससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के अभी जो प्रबल चैतन्य उपस्थिति में है वहां हम आ जाते हैं। एकदम इंटेंस कॉन्शियसनेस प्रेजेंस हमें फील हो जाती है और हम अलर्ट हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, सेम टाइम पे, अब सपोज उस समय सोचिए कि एक एक्सीडेंट हुआ है किसी की गाड़ी का, बहुत उस समय तो आप पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहेंगे, एक्सट्रीम केस आ गया, प्राणों पे संकट है, आपके साथ में सवार है आप, तो आप उस समय क्या एक्ट करोगे, किसी को दरवाजे से बाहर खींचना, किसी को फोन करना करना, तो आप उस समय पावर ऑफ नाउ में रहते हो, सचेत होते हो, अवेयर होते हो, स्थिर होते हो, स्टेबल होते हो, अवेयर होते हो हर चीज के बारे में। इसको बोलते हैं हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आप अपने प्रेजेंट को जी रहे हो उस पल,
और डेफिनेटली जब संकट आता है तब तो हम सारे उस स्टेज में आ ही जाते हैं, लेकिन संकट तो कभी कभी आता है, हमेशा तो नहीं आता, तो हम बाकी टाइम पे क्या करते हैं उसको भी समझते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े खतरनाक कारनामों में शामिल होना पसंद करते हैं, जैसे पर्वतारोहण, कार दौड़ इत्यादि। हालांकि वे नहीं जानते कि वे खतरनाक कारनामे ही हैं जो उन्हें अब में आने को मजबूर कर दिया करते हैं। ऐसी अत्यंत सचेत व सजीव अवस्था में आने को, जो कि समय से मुक्त है, समस्याओं से मुक्त है, विचार से मुक्त है और व्यक्तित्व के भार से मुक्त है, वहां वर्तमान पल से एक क्षण के लिए भी चूक जाने का मतलब होता है मौत। दुर्भाग्य यह है कि उस अवस्था में होने के लिए वे किसी खास क्रियाकलाप पर, किसी खास गतिविधि पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन आपको अब में प्रवेश करने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। Very important to understand. So, जो हमें मूल सिद्धांत समझना है इसका, वो ये एक ये भी समझना है, बहुत लोग आपने देखा होगा कि यू नो पैराशूट सेलिंग कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट का समिट कर रहे हैं, ग्रैंड प्री कार की दौड़ कर रहे हैं, या स्काई डाइविंग कर रहे हैं, ये सारे खतरनाक कारनामे करते हैं लोग, पागल लेके ये सब क्या करें, क्यों? कि उनको समझ में आ जाता है कि उस समय हम एकदम कॉन्शियस हैं, एकदम अलाइव हैं, एकदम लिबरेटेड फील कर रहे हैं, कोई समस्याएं नहीं है, हम कोई विचार नहीं आ रहे, हम अपने आप को उस समय उस एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाकर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में रह रहे हैं। और हमें इस चीज का सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है, इससे टेक अवे करना है कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट से अगर हिले तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। मैंने पैराशूट नहीं खींचा या मैंने जो इंस्ट्रक्शंस मुझे सिखाए गए नहीं करी तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो उस समय मैं क्या होता हूँ, एकदम इंटेंस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की मैं अपने आप को ट्रेनिंग करता हूँ। अब ये आपका उस स्टेट की वजह से आपकी लाइफ में हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि आप और मैं अभी कोई ऐसा यू नो एडवेंचर कर लें कि हमें पावर ऑफ नाउ में आना है। अभी हमको धीरे 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 अपने आप को ट्रेन करना है कि जब हम सोचें, जब हम देखें कि मेरा दिमाग पास्ट या फ्यूचर में है, मुझे प्रेजेंट टेंस में आना है। हाँ, कई बार प्रॉब्लम्स आएंगी तो डेफिनेटली उस समय तो मुझे आना ही है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ तो मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगी जहाँ कोई टेंशन नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है और लाइफ आगे अच्छी दिखाती है, मुझे कुछ करने के लिए बताती है। इसी के साथ आज हम फिर पावर ऑफ नाउ करते हैं, साइलेंस करते हैं, आंखें बंद करते हैं। आध्यात्मिक तय में जाने के लिए हम सब अपनी लाइफ में अपने आप को धीरे धीरे उस दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहां हम अभी को एंजॉय कर सकते हैं, जहां पावर ऑफ नाउ में अपने आप को खींच सकते हैं, जहां हम अपनी थॉट्स को बार बार ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने आप को याद दिला सकते हैं कि मुझे अभी में जीना है। धीरे धीरे ट्रेनिंग कर रहे हैं, चेतना के साथ लाइफ जी रहे हैं,